चैप्टर कॉनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 11.3 बोलते हैं फाइंड द फोकाई द वर्टिसेस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस द माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ये आपने चीजें निकालनी है और ये आपके पास इक्वेशन दी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें देखो दो इक्वेशन है, एक तो आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरी है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, जब मेजर एक्सिस आपके पास क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पर मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को इन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसे देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ध्यान से देखो कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखो एक्स नीचे वाला कॉफिशेंट, एक्स के नीचे वाला कॉफिशेंट, जो एक्स का कॉफिशेंट है, ठीक है, जो एक्स के डिनोमिनेटर में है वो बड़ा है किससे, जो वाई के डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो यानी कि किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ, क्योंकि ये वो इलिप्स बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, ए यानी कि ये 6, ठीक है, एक्स के नीचे क्या है 6, ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहा है, बड़ा आ रहा है किससे, इससे। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी बन रही है, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ। ए की वैल्यू 6 आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 4। ये दो वैल्यूज आ चुकी है, इन दोनों वैल्यूज का यूज करके आपने ये सभी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसके वर्टिसेस क्या होते हैं, यहां होते हैं वर्टिसेस, यानी कि प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, तो वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस 6,0। ठीक है, फोकस क्या होता है इसका, F1 F2, फोकस क्या था इसका, प्लस माइनस C,0। ठीक है, एंड प्लस माइनस C मतलब प्लस माइनस AE,0। अब आपको इसेंट्रिसिटी निकालने पड़ेगी सबसे पहले, तो इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर, ई स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्केयर इज 16 एंड ए स्केयर इज 36। ई स्केयर क्या जाएगा 20/36, यानी कि ई स्केयर इज इक्वल टू 2√5/6, यानी कि ई इज इक्वल टू 2√5/3। उठाओ वैल्यू यहां पर सब्सिट्यूट कर दो, फोकस क्या जाएगा, देखो फोकस क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस ए इज 6 एंड √5/3, तो क्या आ गया, प्लस माइनस 2√5,0 इज द फोकस। ठीक है, फोकाई आ गया, ठीक है, वर्टिसेस आ गए एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो इस केस में मेजर एक्सिस क्या होगी, 2a, तो मेजर एक्सिस क्या आ जाएगी 2a एंड विच इज इक्वल 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, और जो माइनर एक्सिस है वो क्या होगी 2b, तो 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, एंड द इसेंट्रिसिटी, हाँ निकाल चुके हैं इसेंट्रिसिटी, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, e इज इक्वल टू 2√5/3। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है, देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होती है मेरे पास, 2b² / a, यही होती है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो 2b² = 16 एंड a इज 6, तो कितनी आ गई 16/3 इज द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। आया समझ में, ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास x² / 4 + y² / 25 = 1, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x² / 2² + y² / 5² = 1। अब देखो ये कैसी इलिप्स बनेगी, x अपॉन दिस यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितना है यहां पर 2, ठीक है, और y एक्सिस के लॉन्ग 5, तो यानी कि ये फिगर ऐसे बनेगा। इसकी इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, x² / b² + y² / a² क्योंकि ये मेरे पास माइनर एक्सिस आती है b और ये मेरे पास मेजर एक्सिस आती है a, तो इसे कंपेयर करोगे किसके साथ, x² / b² + y² / a² = 1 के साथ, b की वैल्यू 2 एंड a की वैल्यू क्या रही है 5। अब यहीं से आपने ये सब कुछ निकालना है। अब देखो इसका जो फोकस है यहां पर, यानी कि f1 यानी कि फोकस क्या आएगा इसका, प्लस माइनस 0, c, ठीक है, यानी कि बोल सकते हो
फोकस इज प्लस माइनस जीरो कॉमा, यार प्लस माइनस नहीं, फोकस इज जीरो कॉमा प्लस माइनस सी, या तो बोल सकते हो फोकस इज जीरो कॉमा प्लस माइनस ए ए, ठीक है। वर्टेक्स क्या आ जाएगा इसका, वर्टेक्स क्या आएगा, जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, ठीक है। ये सेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, माइनर एक्सिस की 2b होती है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ लैटरल रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a, बस वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, तो इसेंट्रिसिटी निकालने पड़ेगी, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एंड e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 25, ठीक है। एंड e स्क्वायर इज इक्वल टू 21 अपॉन 25, यानी कि अंडर रूट, ये सेंट्रिसिटी आ जाएगी, ठीक है, यानी कि अंडर रूट 21 अपॉन 5, ओके। तो फोकस क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 कॉमा ए ई, ए से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस अंडर रूट 21, ये फोकस। वर्टेक्स क्या आ जाएगा इसका, वी 0 कॉमा प्लस माइनस ए, यानी कि प्लस माइनस 5, ठीक है। और ये तो हम निकाल चुके हैं, सेंट्रिसिटी इज अंडर 21 अपॉन 5। एंड 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a यानी कि 10, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या जाएगी अब आपके पास 2b, 2b इज 2 टू जा 4, एंड लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a, एंड व्हिच इज इक्वल टू b इज 2 स्क्वायर अपॉन a इज 5, यानी कि 8 अपॉन 5 इज द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 तक ये आप ट्राई करोगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फिर 8 और 9 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है। 7 में थोड़ा सा हिंट दूंगा, ठीक है, बाकी आप कर लोगे। 7th क्वेश्चन है आपके पास, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। देखो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या तो फिर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन में हमेशा राइट हैंड साइड पर कहता है 1, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बाय 144 ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, 36 अपॉन 144 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 144 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 4 आ गया और ये 36 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये इसके साथ कंपेयर होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 6 और बी की वैल्यू 2। बाकी तो आगे हमने किया ही, कैसे आपने यहाँ पर इसेंट्रिसिटी फोकस वर्टिसेस निकालने हैं, ओके। तो आपने 8th क्वेश्चन भी आपने करना है, 9th क्वेश्चन भी आप करोगे, बिल्कुल सेम है ऐसे, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, आपके पास क्या कंडीशन दी है, वर्टिसेस दिए एंड फोकस दिया है, ठीक है। देखो वर्टिसेस दिया है, यानी कि कहां है इसके वर्टिसेस, कहां दिए हैं इस पॉइंट को देखो तो इसके वर्टिसेस कहां पर हैं, प्लस माइनस दिस एंड जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस पर हैं, यानी कि ये और ये 5,0 एंड -5,0 वर्टिसेस यहां दिए हैं, तो ये एलिप्स कैसे बनेगी, कुछ इस तरह की बनेगी। और फोकस क्या है, फोकस भी एक्स एक्सिस पर है, माइनस 4,0 एंड दिस इज 4,0, ठीक है। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो जब मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन है तो यहां पर वर्टिसेस क्या होते हैं मेरे पास, वर्टिसेस होते हैं मेरे पास प्लस माइनस 1,0 और दिए गए हैं आपके पास प्लस माइनस 5,0। तो यहां से कंपेयर करो अगर, तो ए की वैल्यू 5 आ रही है, ये क्या है फोकस,
वो फोकस क्या होते हैं, जो इस टाइप की एलिप्स होती है मेरे पास, प्लस माइनस ए कोमा जीरो, यही होता ना, प्लस माइनस सी कोमा जीरो, और सी की वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 4। ठीक है, अब देखो इक्वेशन है मेरे पास ये, ए की वैल्यू तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, लेकिन मुझे बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो ए ई और बी के बीच में कोरिलेशन, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई सेंट्रिसिटी, ये है रिलेशन तीनों के बीच में, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास यहां से बी भी आ जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू इज 4 अपॉन ए एंड ए इज 5, ई की वैल्यू आपके पास 4 अपॉन 5। तो देखो 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 5 यानी कि 25, तो क्या आ जाएगा 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 25। एलसीएम लिया लिया जाएगा, 25 से 25 कट गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3। उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ओके, आगे समझ में किस तरह से करना है। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, वो आप ट्राई करोगे, मैं आपको बताता हूं, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, वर्टिसेस दिए हैं इसके 0, प्लस माइनस 13, एंड जो फोकाई है इसका 0, प्लस माइनस 5 दिया है। अब देखो इसका फोकस जो है कहां पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, वर्टेक्स भी वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स है यहाँ क्या आता था मेरे पास, 0, a एंड दिस इज 0, -a, इसके वर्टिसेस क्या आते थे, 0, प्लस माइनस a, कंपेयर करो इन्हें 0, प्लस माइनस 13 के साथ। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू क्या आ गई, 13। ठीक है, और इसके फोकस क्या होते थे मेरे पास, फोकस 0, प्लस माइनस c, यहां पर c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, कंपेयर करो 5, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी क्योंकि आपके पास फोकस क्या दिया, 0, प्लस माइनस 5, और सी का मतलब ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू दी, ई की वैल्यू क्या की, 5 अपॉन 13, तो हम इस रिलेशन का यूज करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इजली। ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 अपॉन 13 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एंड ए इज 13 का स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा, 25 अपॉन 169 इज इक्वल टू 169 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 169 कट गया, एंड बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वहां जाके सब्ट्रैक्ट 144, तो बी कितना आ गया, 12। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वेयर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 169 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आया समझ में, ठीक है, 12th क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, देखो 12th क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, ध्यान से देखना, 12th क्वेश्चन में आपके पास दिया है, बोलते हैं वर्टिसेस जीरो सॉरी वर्टिसेस इज प्लस माइनस 6, 0 एंड फोकाई इज प्लस माइनस 4, 0। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, ठीक है, सेम वैसे ही है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई करोगे। ओके, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3, 0 एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस दिस। ठीक है, देखो ये जो इलिप्स है आपके पास, मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस यानी कि कहां पर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, किस टाइप के पॉइंट है ये, 0 टाइप का पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहां आएगा, एक्स एक्सिस पर, तो मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसके एंड पॉइंट दिए यानी कि -3, 0 और ये क्या है मेरे पास, 3, 0,
माइनर एक्सिस के 0.2 एंड 0.-2, ठीक है। तो मेजर एक्सिस के एंड दिए हैं, इसका मतलब ये है क्या मेरे पास प्लस माइनस 3.0 है क्या? ये मेरे पास वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स है तो कंपेयर करो प्लस माइनस 1.0 के साथ, तो डैट इंप्लाइज ए की वैल्यू क्या जाएगी 3। वैसे ही मेरे पास ये माइनर एक्सिस के हैं, ये माइनर एक्स के कोऑर्डिनेट है मेरे पास यहाँ पर एंड ये दिए ना, तो ये मेरे पास बी होता है, ये बी, ठीक है। तो देखो कंपेयर करो इसे मेरे साथ, इसके साथ क्या जाएगा 0, प्लस माइनस बी के साथ, 0, क्या है मेरे पास प्लस माइनस 2, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 2। और इसकी इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पर थोड़ा सा चेंज है। बोलते हैं आपके पास एंड ऑफ मेजर एक्सिस दिए हैं 0, प्लस माइनस अंडर रूट 5, एंड माइनर एक्सिस के एंड दिए हैं आपके पास प्लस माइनस 1.0, ठीक है, ये दिए हैं आपके पास। ओके तो देखो ये जो पॉइंट है कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा, तो मेजर एक्सिस का जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर है, यानी कि ये कैसे बनेगी, ऐसे। जब मेजर एक्सिस मेरे पास वाई एक्सिस होती है तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, 0, b टाइप के आते हैं, 0, b टाइप के यही आते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक दिए हमारे पास वर्टिसेस दिए हैं, तो यहां पर इसे कंपेयर करो 0, प्लस माइनस, दिस इज ए, मेजर एक्सिस को हम कह लेते हैं ए, प्लस माइनस ए के साथ, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5। और इसे कंपेयर करोगे किसके साथ, 0, सॉरी नॉट 0, प्लस माइनस 2.0 के साथ, ये माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो क्या जाएगा प्लस माइनस 1.0, तो बी की वैल्यू क्या आगे 1। तो इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ओके, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपके पास, बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास दी है 26, ठीक है, और इसका जो फोकाई है वो कितना है प्लस माइनस 5.0, ठीक है। अब देखो इसका फोकस ये है, फोकस ये है, यानी कि फोकस कहां रहा है, एक्स एक्सिस पर, तो यानी कि यहां पर आएगा फोकस, तो यानी कि ये कैसी इलिप्स बनेगी, ऐसी बनेगी, दिस इज माइनस 5.0 एंड दिस इज 5.0, और इसकी जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो क्या होती है 2a, ठीक है। तो देखो 2a इज इक्वल टू 26, a की वैल्यू कितनी आ गई 13, और ये फोकस है तो इसका फोकाई क्या होता है मेरे पास प्लस माइनस ae.0, ये था ना प्लस माइनस 3.0, सी की वैल्यू ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 5, ठीक है, तो ए की वैल्यू 5, ई की वैल्यू 5/a, 5/13 आ गई, ठीक है। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, तो हमें एक रिलेशन पता है ई ए और बी के बीच में कि ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, देन ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वेयर इज निकालना है, एंड ई की वैल्यू आपके पास दी है 5/13, 25/169, एंड दिस इज ए 169, 25/169 इज इक्वल टू 169 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 169 कट गया, एंड दैट इंप्लाइज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 एंड बी इज इक्वल टू 12, ठीक है। और इसकी इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज 13 स्क्वेयर यानी कि 169 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर यानी कि 144 इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16। तो आपने थोड़ा फिगरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन खुद सॉल्व होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी है, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16, ठीक है, और जो फोकाई है वो है 0, ±6, ठीक है। तो देखो फोकाई 0, यानी कि फोकाई कहां है इसका, वाई एक्सिस पर है, तो ये ऐसी इलिप्स होगी, ये है इसका फोकाई, ठीक है। और इसका फोकस क्या होता है आपके पास, 0, ±a, e, ठीक है। तो कंपेयर करो फोकस क्या आपके पास 0, ±6, तो ए ई की वैल्यू क्या आ गई 6, और माइनर एक्सिस ये आ जाएगा, दिस इज बी, ये बी, यानी कि 2b इज इक्वल टू 16, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 8। अब देखो ये आ गया, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई और बी है, हमें ए निकालना है, तो रिलेशन क्या है हमारे पास, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, -b² अपॉन ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई इज 6 अपॉन ए, ओके, तो क्या जाएगा 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एंड 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या जाएगा 64, 8 का स्क्वायर, वहां जाके ऐड हो गया 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 10। और ये जो इस टाइप की इलिप्स है, इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी इज 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ओके। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, ओके। आज क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं आपके पास फोकस दिया है, देखो फोकस कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। अगर फोकस मेरे पास एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो ये किस टाइप की बनेगी, ये ऐसी इलिप्स बनेगी, ठीक है, जिसकी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी 2a, यानी कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स बनेगी, ठीक है। तो फोकस कंपेयर करो इसे, फोकस मेरे पास प्लस माइनस 3, 0 दिया है, जबकि फोकस क्या होता है इसका, प्लस माइनस ए ई, 0, तो ए ई की वैल्यू 3 दी है और ए की वैल्यू 4 दी है, तो e की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3/4, वही क्वेश्चन आ गया, इस रिलेशन का यूज कर लो, e² इज इक्वल टू 1, -b² / a² का, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, b की वैल्यू, तो ये क्या जाएगा, e की वैल्यू 3/4, तो 9/16 इज इक्वल टू 1, -b² बी की वैल्यू है आपके पास निकालनी, एंड ए स्क्वायर की वैल्यू 16, ठीक है। तो क्या जाएगा, 9/16 इज इक्वल टू 16 - b² / 16 कट गया, एंड b² इज इक्वल टू क्या जाएगा 7, ठीक है, b² की वैल्यू क्या आ रही है 7, ओके। तो आ जाओ मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x² / a² क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y² / b² इज अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि x² / 16 प्लस y² / 7 इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, सिंपल, ठीक है, आ गया समझ में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, सभी क्वेश्चन सेम ही हैं, ठीक है, बस रिलेशन का यूज कर रहे हैं, इसेंट्रिसिटी, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस के रिलेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं से सारी वैल्यूज निकल जा रही हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है कि बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4, सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर कहाँ है उसका, ओरिजिन पर है, ठीक है, और क्या दिया है इन्होंने, फोकस फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इलिप्स है जिसके फोकस एक्स एक्सिस पर है, सेंटर ओरिजिन पर है, तो ये किस टाइप की इलिप्स बनेगी, ऐसी इलिप्स बनेगी, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, जो इस टाइप की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, x² / a² + y² /
बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर ये मेरे पास क्या है ए, और ये भी क्या है ए, और ये बी, और ये भी क्या है मेरे पास बी। ओके, तो मुझे ए और बी निकालना है, बी तो दिया है मुझे ए निकालना है। तो देखो हमारे पास एक रिलेशन थी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस रिलेशन का यूज करेंगे और यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस सी इज फोर स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 एंड ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर 25, और ए की वैल्यू क्या रही मेरे पास यहां से 5, ए की वैल्यू 5 आ गई। उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, डेट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ओके ठीक है, सिंपल सा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखो जो स्टेटमेंट है उसको ढंग से अंडरस्टैंड करो, क्या दिया है, किस टाइप की इलिप्स हमारे पास बन रही है, दी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, बोलते हैं सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पर दिया है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस जो है कहां पर है, ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, और पासिस थ्रू द पॉइंट एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, कहां से पास कर रही है एलिप्स, 3.2 एंड 1.6 से। देखो कैसी एलिप्स बनेगी, सेंटर ओरिजिन पर है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एलिप्स ऐसे बनेगी जिसकी मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। मुझे ए और बी निकालना है जो दोनों नहीं दिए हैं। अब ये जो इलिप्स है कहां से पास कर रही है, ठीक है, एक तो ये 1.6 से पास कर रही है और एक ये 3.2 पॉइंट, इन दो पॉइंट से, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रही है। ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है, ये जो पॉइंट है इलिप्स पर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे ना। ठीक है, तो आ जाओ हमारे पास क्या जाएगा, पॉइंट ए 1.6 एंड बी 3.2 लाइज ऑन द एलिप्स। ठीक है, इलिप्स पर लाई करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। एंड जब 3.2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या जाएगा, 3 स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस चलो जो भी पॉइंट है, एंड वाई वाई की वैल्यू है 2 स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, यानी कि 1 अपॉन बी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन नॉट 1, इट इज 36 अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज 9 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब ये मेरे पास क्या बन रही हैं, दो इक्वेशंस बन रही हैं, तो यहां से दो इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकल सकती है, नहीं लग रहा पता, तो मान लो लेट 1 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वी, तो ये क्या बन जाएगा, यू प्लस 36 वी इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन जाएगा, 9 u, ये गलत लिख रही ना, दिस इज बी स्क्वेयर एंड दिस इज योर ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर, 9 u प्लस 4 v इज इक्वल टू 1। तो ये लीनियर इक्वेशंस बन गई दो, अब तो सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डेट इंप्लाइज क्या जाएगा, 9, नहीं ये लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो ज्यादा बेटर है कि इसे 9 से मल्टीप्लाई करो, इसे 1 से करो, तो क्या आ जाएगा, यू प्लस 36 v इज इक्वल टू 1 एंड 81 u माइनस प्लस 36 v इज इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्ट कर दो, -80 u इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कट गया, एंड u इज इक्वल टू 1/10, u की वैल्यू क्या आ गई, 1/10, किसी भी इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे तो 1/10 प्लस
प्लस 36v इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज 36v इज इक्वल टू 9 अपॉन 10, तो v कितना आ गया 1 अपॉन 40। ठीक है, तो u और v दोनों की वैल्यू आ गई। मैं यहां लिख देता हूं, u की वैल्यू 1 अपॉन 10 और v की वैल्यू 1 बाय 40। तो u है क्या हमारे पास 1 अपॉन बी स्क्वेयर, तो 1 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 एंड 1 अपॉन वी वन अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 40। तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 10, नहीं ये 1 अपॉन 10 है, ये 1 अपॉन 40 है। तो बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10 एंड ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। उठाओ ये दोनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या आ जाएगी एक्स स्क्वेयर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन, देखो ये ऑलरेडी स्क्वेयर है फिर से मत कर देना, स्क्वेयर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं हम उनसे भी, लास्ट ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्यों छोड़ना। देखो इसे मैं रफ कर दूं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले यहां पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, कहां पर है मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है, यानी कि इलिप्स ऐसी बनेगी, ये आपके पास क्या आ जाएगा ए एंड दिस इज ए, ठीक है, और ये बी और ये भी बी, यहां पर फोकस आ जाएंगे। और इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और ये जो इलिप्स है कहां से पास कर रही है 4.3, ये 4.3 एंड 6.2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, पी एंड क्यू। ठीक है, देखो पी एंड क्यू पॉइंट जो है इलिप्स पर लाई कर रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन जो 19 था। ठीक है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, पी 4.3 एंड क्यू 6.2 लाइज ऑन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स की वैल्यू 4, तो 4 स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड 6.2 जब लाई करेगा इस इक्वेशन पर तो क्या आ जाएगा 6 स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो इक्वेशंस क्या आ गई मेरे पास 16 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड 36 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम वैसे ही है, यहां मैं मान लेता हूं लेट 1 अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी, तो क्या बन जाएगा 16 यू प्लस 9 वी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 36 यू प्लस नाउ 4 वी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसे 4 से और इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 64u प्लस 36v, आप जिस मर्जी मेथड सॉल्व करो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, एंड 36 क्या 324u, ठीक है, एंड प्लस 36v इज इक्वल टू 9, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये क्या आ जाएगा माइनस करो 260 माइनस 260u इज इक्वल टू दिस इज माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, u इज इक्वल टू 5 अपॉन 260, दैट इंप्लाइज u इज इक्वल टू 1 अपॉन 52 आ रहा है। अब इसको लो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, मैं इसे यहां पर पुट कर रहा हूं 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1, तो 16 अपॉन 52 प्लस 9 वी इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 9 वी क्या जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 13 एंड 9 वी इज इक्वल टू 9 अपॉन 13, वी की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 13। ठीक है, देखो यहां से U की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1 अपॉन ए स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल टू 1 बाय 52, दैट इंप्लाइज ए स्क्वेयर कितना आ गया
52, ओके, एंड वी इज इक्वल टू 1/b² एंड विच इज इक्वल टू 1/13, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वेयर कितना आ गया मेरे पास 13, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, उठाओ इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दो यहां पर, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, तो देखो फ्रॉम वन क्या आ जाएगा, x² अपॉन a² एंड a² इज 52 प्लस y² अपॉन b² इज 13 इज इक्वल टू 1, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी एलिप्स की, ठीक है। अगर आपने इसे आगे सॉल्व करें तो आगे भी कर सकते हो, यहां तक छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल ठीक है, आगे सॉल्व करें तो 52 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1, यानी कि x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 52, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये भी आ जाएगी, जो मर्जी लिखो आप, ठीक है, ओके।